जीमेल ऐप की इस वीडियो में आज आप जानेंगे एंड्रॉइड फोन की सहायता से बिना पासवर्ड के कंप्यूटर में जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना। जीमेल ऐप की इस वीडियो सीरीज में हम आपको जीमेल ऐप का उपयोग करके जीमेल अकाउंट बनाना, पासवर्ड चेंज करना इत्यादि बता चुके हैं। आज हम आपको जीमेल ऐप की सहायता से बिना पासवर्ड का उपयोग किए डेस्कटॉप या लैपटॉप में जीमेल में कैसे लॉगिन किया जाए ये बता रहे हैं। जीमेल ऐप पर आधारित वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक तथा ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली ईआरपी 9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आजकल के टेक्निकल दौर में टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि पर ऑनलाइन अकाउंट्स का उपयोग करना काफी आसान बना दिया है। ऐसी एक सुविधा ये है कि हम जीमेल ऐप की सहायता से बिना पासवर्ड के लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम आपको तीन बातें समझा रहे हैं। पहली ये कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में बिना पासवर्ड लॉगिन करने के लिए एंड्रॉइड में क्या सेटिंग्स की जाएं। दूसरी ये कि सेटिंग पूरी हो जाने पर एंड्रॉइड फोन की सहायता से लैपटॉप या डेस्कटॉप में बिना पासवर्ड के लॉगिन कैसे किया जाए। और तीसरी ये कि जो सेटिंग की गई है यदि आप उसे बंद करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं। ऐसा करने के लिए अपने एंड्रॉइड फोन में दिखाई दे रही एप्स में से जीमेल ऐप पर टच करें। यहां से अपने प्रोफाइल पिक्चर पर टच करें। मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टच करें। उस पर टच करते ही अकाउंट मैनेजमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां दिखाई दे रहे ड्रॉप डाउन एरो पर टच करें। ड्रॉप डाउन एरो पर टच करते ही यदि आपके एक से ज्यादा ईमेल आईडी हैं तो उनमें से जिन ईमेल आईडीज में आपने अपने मोबाइल के जीमेल ऐप से लॉगिन किया हुआ होगा उन सभी की लिस्ट दिखाई पड़ेगी। आप अपने जिस ईमेल आईडी में सेटिंग्स करना चाहते हैं उसको टच करें। हम फिलहाल राहुल शर्मा वाले ईमेल आईडी की सेटिंग्स बदलना चाह रहे हैं तो उस पर टच कर रहे हैं। टच करते ही दोबारा अकाउंट मैनेजमेंट वाला पेज दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इस पेज पर हम होम टैब में हैं तो साइन इन की सेटिंग्स बदलने के लिए हमें सिक्योरिटी वाले टैब पर जाना होगा। उसके लिए इस पेज को लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे टैब्स में से सिक्योरिटी पर टच करें। सिक्योरिटी वाले पेज पर आपको साइनिंग इनटू गूगल के अंतर्गत यूज योर फोन टू साइन इन ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस ऑप्शन पर टच करें। टच करते ही आपको आपके अकाउंट का पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट पर टच कीजिए। इस पर टच करते ही ये पेज दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज योर फोन टू साइन इन और इसके नीचे हाउ इट वर्क्स के अंतर्गत यह लिखा होता है कि जीमेल का ये फीचर कैसे काम करता है। साथ ही इस स्क्रीन पर थोड़ा नीचे इस प्रोसेस का एक एनिमेटेड वीडियो भी दिया गया है। यदि आप चाहें तो ये एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। हम इसी एनिमेटेड वीडियो की विस्तृत प्रोसेस आपको समझा रहे हैं। उसके लिए सेट इट अप को टच कीजिए। सेट इट अप को टच करते ही आपको आपके अकाउंट का पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड एंटर करके साइन इन पर टच कीजिए। साइन इन होते ही आपको ये पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि फोन द्वारा साइन इन करने के लिए आपको स्क्रीन लॉक वाले फोन की आवश्यकता होगी। इसी के नीचे योर फोन के अंतर्गत आपको आपके फोन का नाम दिखाई पड़ेगा। अब नेक्स्ट पर टच करेंगे। इस स्क्रीन पर फिर से नेक्स्ट पर टच करें। नेक्स्ट पर टच करते ही ये पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कन्फर्म स्क्रीन लॉक पर टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही आपसे आपके फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करने के लिए कहा जाएगा। कोड या फिर पैटर्न, जैसा भी आपका स्क्रीन लॉक टाइप है उसे उपयोग करके फोन को अनलॉक करें। फोन अनलॉक होते ही ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी अन्य डिवाइस से लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं। यस पर टच कर दें। यस पर टच करते ही ये स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है साइन इन अप्रूव्ड। अब यहाँ दिखाई दे रहे टर्न ऑन ऑप्शन पर टच करें।
देखिए ये फोन साइन इन फीचर ऑन हो गया है, अर्थात साइन इन की सेटिंग्स करने का सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब भविष्य में हमें अपने इस जीमेल अकाउंट को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर उपयोग करने के लिए पासवर्ड नहीं डालना होगा। अब चूंकि हमने मोबाइल में सेटिंग पूरी कर ली है, तो अब हम आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना बता देते हैं। इसके लिए हम किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं, साथ ही मोबाइल फोन में उस समय क्या प्रोसेस करनी होगी वो स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालकर एंटर प्रेस करें या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऐसा करते ही देखिए कंप्यूटर पे ये पेज दिखाई पड़ रहा है और साथ ही मोबाइल फोन पर गूगल का नोटिफिकेशन भी आया है। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक रैंडम नंबर जनरेट करके दिखाया गया है। आगे यही नंबर आपके फोन स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, जिसे टच करने पर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में ओपन किए हुए जीमेल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि कभी कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर रैंडम नंबर नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे में हमें दूसरे तरीके से लॉगिन करना होता है। वो तरीका हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। अब मोबाइल पर दिखाई दे रहे नोटिफिकेशन पर टच करें। मोबाइल पर नोटिफिकेशन को टच करने पर यह स्क्रीन आएगी। यहाँ पर अब कंफर्म स्क्रीन लॉक पर टच कर दें। इस ऑप्शन को टच करते ही आपसे आपके फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करने के लिए कहा जाएगा। कोड या फिर पैटर्न, जैसा भी आपका स्क्रीन लॉक टाइप है, उसे उपयोग करके फोन को अनलॉक करें। अब यस पर टच करें। देखिए यस पर टच करते ही तीन अलग अलग नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जीमेल में लॉगिन करने पर जो भी नंबर आया हो, उसी नंबर को अपने फोन में टच करें। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जीमेल में लॉगिन करने पर यहाँ पर 88 लिखा हुआ दिख रहा है, तो मोबाइल में भी हम 88 को टच करेंगे। मोबाइल में 88 को टच करते ही आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में जीमेल में लॉगिन हो जाएंगे। अगर रैंडम नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई ना दे, तो किस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं वो दूसरा तरीका हम आपको अब बता देते हैं। जब हम डेस्कटॉप में ईमेल आईडी डालकर एंटर प्रेस करेंगे, तो ये स्क्रीन दिखाई देगी और फोन पर ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। तो साइन इन करने के लिए फोन स्क्रीन पर यस को टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही आपसे आपके फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करने के लिए कहा जाएगा। कोड या फिर पैटर्न, जैसा भी आपका स्क्रीन लॉक टाइप है, उसे उपयोग करके फोन को अनलॉक करें। फोन अनलॉक होते ही आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में जीमेल में लॉगिन हो जाएंगे। अब ये तो हमने इस फीचर को चालू करना आपको बताया है। यदि आप भविष्य में इस फीचर को बंद करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए बता देते हैं। उसके लिए अपने फोन में जीमेल ऐप में मैनेज योर अकाउंट के अंतर्गत सिक्योरिटी टैब में जाएं। यहां पर यूज योर फोन टू साइन इन पर टच करें। उसे टच करते ही आपके मोबाइल के ब्राउजर में ये स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अभी तो हम डायरेक्टली इस पेज पर आ गए हैं, पर कभी कभी ये स्क्रीन हमें लॉगिन करने के बाद दिखाई पड़ती है। यहाँ पर यस को टच करें। यस को टच करते ही ये पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कन्फर्म स्क्रीन लॉक को टच करें। इस ऑप्शन को टच करते ही आपसे आपके फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करने के लिए कहा जाएगा। कोड या फिर पैटर्न, जैसा भी आपका स्क्रीन लॉक टाइप है, उसे उपयोग करके फोन को अनलॉक करें। फोन अनलॉक होते ही ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप साइन इन करने का प्रयास कर रहे हैं। यस पर टच करें। यस पर टच करते ही ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर दिखाई दे रहे टर्न ऑफ ऑप्शन पर टच करें। टर्न ऑफ को टच करते ही ये स्क्रीन आएगी। अब फिर से टर्न ऑफ पर टच करें। टर्न ऑफ को टच करते ही फोन साइन इन फीचर ऑफ हो जाएगा। जीमेल ऐप की इस वीडियो में आपने सीखा एंड्रॉइड फोन की सहायता से बिना पासवर्ड के कंप्यूटर में जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें